तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह हमारे इस वीडियो को भी लाइक करें, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। मुसीबत में घिरे मजबूर लोगों की हम हमेशा मदद करते हैं। अब जा सकते हो जहां जाना है। अर्तुरुल, रुको रुको रुको, मत जाओ मत जाओ। मैं ये सब समझने से कासिर हूं अर्तुरुल। मैंने तुम्हारे बेटे को अगवा किया, ना जाने कितनी ही बार तुम्हारे लिए मौत का जाल बिछाया, लेकिन इस सब के बावजूद तुमने मुझे आजाद कर दिया, मेरी जान बख्श दी, मुझे जिंदा रहने की इजाजत दे दी तुमने। इसकी वजह सिर्फ वादा नहीं, यकीनन कोई असीम मकसद है इसके पीछे। ऐसा करने पर तुम्हें किस बात ने मजबूर किया? मैंने पहले भी कहा था एरिस, अगर बात मेरी जात की होती तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालता, लेकिन मेरे नफ्स से कहीं ज्यादा अहम मेरा दीन और ईमान है। ये मेरे दीन की तालीमात हैं, अपनी ख्वाहिश के नहीं बल्कि अपने दीन के ताबे हूं मैं। अगर तुम्हारे दीन की यही तालीमात हैं अर्तुरुल, तो फिर तुम्हारा दीन ही दीन हक है, और अगर तुम अपने गुस्से और अपने जज्बात में आके अमल नहीं करते बल्कि अपने दीन पर ही रहते हो, तो फिर तुम्हारे जैसे नेक आदमी के खिलाफ जंग नहीं लड़नी चाहिए बल्कि तुम्हारे साथ मिलकर लड़ना चाहिए। मेहरबानी करो, मुझे बताओ कि कैसे तुम्हारे दीन को अपना सकता हूं मैं। अच्छी तरह सोच लो एरिस, तुम्हें यह फैसला करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। मैंने ऐसा खुलूस और इखलाक अपने किसी करीबी दोस्त तक में नहीं देखा। मैं वो आदमी हूं जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं। मुमकिन है अल्लाह ने तुम्हारी दोस्ती और दीन की सूरत में मुझे एक आखिरी मौका दिया हो। मैं ये मौका जाया नहीं करना चाहता अर्तुरुल, मेहरबानी करो खुदा के लिए, कैसे तुम्हारा दीन अपना सकता हूं मैं। दोजानू होकर बैठ जाओ एरिस, अब जो मैं कह रहा हूं वो दोहराते जाना एरिस। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु।
एरिस यहां पर क्या कर रहा है अर्थुर? एरिस नहीं हलीमा, अहमद। अहमद ने अपना बोसीदा और कसीफ लिबास उतारकर हक के रास्ते को चुन लिया है।